नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के औरंगाबाद में रहने वाले पुलिसकर्मी पम्मी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से पहले पम्मी ने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपनी मौत का कारण भी बताया है। जानकारी के मुताबिक वो हनी ट्रैप में फंसा हुआ था और लड़की द्वारा ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पम्मी ने ये कदम उठाया है। पम्मी गाजियाबाद में तैनात था और उसने वहीं आत्महत्या कर ली। वीडियो में पम्मी ने बताया कि उसी के गांव की उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की पहले उसके साथ रिलेशनशिप में आई और फिर पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगी। पम्मी ने कहा वो पिछले 2 सालों से उसे ब्लैकमेल कर रही है और अगर वो उसे कहता है कि वो उसकी FIR करा देगा तो इस पर लड़की उसे धमकी देती थी। पम्मी ने आत्महत्या करने से पहले ये वीडियो शूट किया था। इसमें उसने कहा कि अब तक लड़की को 6 लाख रुपये दे चुका है लेकिन फिर भी वो उसे बार बार ब्लैकमेल करती है। पुलिसकर्मियों ने बताया कि लड़की के साथ एक लड़का भी मिला हुआ है और एक अन्य लड़की भी मिली हुई है जो मेरठ में रहती है। पीड़ित ने पड़ोस की लड़की सहित कई लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। देखिए बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। फिलहाल मैं ग्राम प्लस पोस्ट औरंगाबाद अहिर का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर से। मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ, कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई, रिलेशन में आने के बाद 2 साल से वो मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ एक लड़का है अमित नाम का, उसी के मोहल्ले का, जो उसका साथ दे रहा है, अमित सनो महिपाल। ये 3 जने इस केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की FIR करने के लिए कहता हूँ, तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी FIR कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी FIR कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ, कि मैं किसी, ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज़ तक इन्हें देख कर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी। अब एक मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूँगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा, न किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों, मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मेरा, मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज़ जोड़े कि मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सज़ा मिले ताकि ये किसी के साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ मौत। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ़ झूठी FIR करेगी, मेरी तो ज़िंदगी जब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। वहीं इस तरह पुलिसकर्मी के सुसाइड करने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।